2011 में आया सौभाग्यवती भव, जो एक साइको थ्रिलर ड्रामा था और फैंस और क्रिटिक्स दोनों का उसे बहुत प्यार मिला था। उसका सीजन 2 आ चुका है, जिसमें कुछ पुराने और कुछ नए कैरेक्टर्स लाए गए हैं। तो कैसा है सीजन 2, चलिए जानते हैं। सीजन 1 में आपको याद होगा विराज, जो अपनी पत्नी जानवी को टॉर्चर करता था और उसके कारण जानवी घर छोड़कर भाग जाती है, पर विराज उसे ढूंढता रहता है और लास्ट में जेल पहुंच जाता है। विराज की स्टोरी उसी मोड़ से स्टार्ट होती है जहां पर वो जेल से बाहर आ गया है और किसी को ढूंढ रहा है, पर वो कौन है ये आपको शो में पता चलेगा। दूसरी ओर एक और साइकोपति राघव को लाया गया है, जो अपनी पत्नी सिया को काफी टॉर्चर करता है। अब आप बोलेंगे कि सीजन 1 और 2 में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इस बार शो में हीरोइन और विलन या हीरो विलन नहीं, बल्कि विलन विलन से दुश्मनी करता नजर आएगा, जो काफी इंटरेस्टिंग है। यानी दोनों साइकोपति विराज और राघव आपस में टकराएंगे, जो देखकर लोगों को काफी मजा आएगा और यही इस शो का हाई पॉइंट होगा। अगर दोनों सीजन को कंपेयर किया जाए तो सीजन 1 ज्यादा बेटर था। सीजन 1 की स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, एक्टर्स काफी कुछ नया और इंटरेस्टिंग था, जो इस बार इतना नहीं है। विराज और राघव में भी कंपेयर किया जाए तो विराज की एक्टिंग और उसका खौफ जो वो स्क्रीन पे लाता था, वो एक अलग ही लेवल का था, जो राघव नहीं कर पा रहे। और सीजन 2 में विराज के कैरेक्टर को भी काफी अलग तरह से शो किया जा रहा है। जो साइको बिहेवियर पहले वो दिखाते थे, वो सीजन 2 में मिसिंग है। पर हो सकता है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़े वो सीजन 1 तक पहुंच जाए या फिर उससे बेटर हो जाए। ये तो थी मेरी राय, हो सकता है आप इस शो के बारे में कुछ अलग सोचते हो तो वो जरूर हमें बताएं। ये शो आप स्टार भारत पर या फिर हॉटस्टार पर देख सकते हैं।